गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? मस्त? ओके. पढ़ाई स्टार्ट है क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना? सभी को पता है 14 दिसंबर से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट है. लास्ट क्लास में हमने कुछ रिवीजन दिया था, है ना? कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? हिंदी. ओके, फटाफट से हमें क्या करना है, हिंदी के नोटबुक टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं. आपको पता है हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? यस, भाषा वाटिका, हिंदी पाठ माला, है ना? चलो फटाफट हिंदी के टेक्स्ट बुक ओपन कर लो. अब बेटा चलो हम स्टार्ट करें हमारा क्लास. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन के बारे में बता देती हूँ, है ना? जैसे कि आपको पता है कि 14 दिसंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम. हिंदी का पेपर आएगा, फिर हमें उसमें क्या क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मैंने आपको बताया है, है ना? रिवीजन में हम ये सब सीख रहे हैं. हमारा सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, अ से स्वर व्यंजन से लेके शरीर के अंग जो है वहाँ तक हमारा सिलेबस है. ओके, सो आज की क्लास में हम आने वाले एग्ज़ाम का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं. और न्यू सिलेबस स्टार्ट करते वक्त हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? उ की मात्रा, है ना? इसके पहले की क्लास में हमने कौन सी मात्राएं पढ़ी थी? आ की मात्रा और ई की मात्रा. ई की मात्रा में टू टाइप्स पढ़े थे हमने, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, है ना? छोटी ई की मात्रा जो वर्णों के आगे लगती है उसे हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं, और वर्णों के जो पीछे लगती है उसे हम कौन सी मात्रा कहेंगे? बड़ी ई की मात्रा. ये हो गया हमारा सिंपल सिंपल, है ना? अब उसी तरह से उ हम पढ़ते हैं, उ, है ना? तो उ ये कौन सा उ हो गया हमारा? छोटा उ, है ना? स्वर है अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अहा, है ना? तो उ उ, ओके. ये कैसे आ गया? उ मतलब ये छोटा उ है ना? जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा उ हो गया? छोटा उ हो गया वो. ओके, अब उ की मात्रा हमें पढ़नी है. अब ये तो उ है, तो क्या हम हर वर्ड में उ लगाएंगे? नहीं. जैसा अब ये हमें क है ना, क्या दिया लिखा हमने यहाँ पे? क. अब क में उ की मात्रा लगानी है, तो क्या हम ऐसा उ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. तो हम फिर क्या करेंगे? तो छोटे उ की मात्रा जो है वो इस तरह से होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल क, है ना? क में छोटे उ की मात्रा लगानी है, तो ये हो गई छोटे उ की मात्रा. क में छोटे उ की मात्रा लगानी है. खो, इसे कैसे रीड करेंगे हम? खो. क में छोटे उ की मात्रा कु. ख में छोटे उ की मात्रा खु. ग में छोटे उ की मात्रा कु. प में छोटे उ की मात्रा पु. न में छोटे उ की मात्रा नु, है ना? इस तरह से हम इसे रीड करेंगे. अब अगर हमें शब्दों में लगानी है ना? अब देखो आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 देखो, वहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए है दिए हुए. फॉर एग्जाम्पल उपवन उपहार, ये दोनों शब्द दिए हैं जो छोटे उ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? लेकिन अगर हमें यहाँ पर पुल लिखना है, क्या लिखना है? पुल, है ना? तो अब वो किस तरह से बनेगा देखो. प, क्या लिखा हमने यहाँ पर? प प्लस, हम उ की मात्रा लगाना सीखने वाले हैं. प प्लस उ की मात्रा प्लस ल. अब हमें इनको जोड़कर एक नया शब्द तैयार करना है. तो ये है हमारा प, जिसमें हम लगाएंगे छोटे उ की मात्रा. तो ये क्या बन जाएगा हमारा? प. प में छोटे उ की मात्रा पु. और ये शब्द फिर हम जोड़ देंगे, कौन सा वर्ण रहेंगे? ल. कौन सा शब्द तैयार हुआ? पुल. क्या बन गया ये? पुल, है ना? अब फिर से और एक शब्द देखेंगे हम.
क्या लिखा हमने, धनुष। अब कैसे बनाइए धनुष, है ना। तो चलो देखते हैं हम धनुष ये शब्द किस तरह से बना। तो सबसे पहले हमने राइट किया ध वर्ण, ओके। अब ध में है क्या मात्रा, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ध राइट करेंगे, फिर उसके बाद हम देंगे प्लस का साइन। फिर कौन सा वर्ण आएगा, यस न, नल का प्लस। अब न में है मात्रा, कौन सी मात्रा है न में, कौन सी मात्रा बताया हमने, ये छोटे उ की मात्रा। तो अब ये हम यहाँ दे देंगे छोटे उ की मात्रा, ओके। देन उसके बाद में फिर से आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद में हम यहाँ राइट करेंगे श, है ना। और इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमने धनुष यह शब्द बनाया है। समझ में आया सभी को किस तरह से धनुष शब्द बना, ध न, न में हमने छोटे उ की मात्रा मिलाई और फिर वो बन गया, और उसमें फिर हमने श मिलाया और फिर ये पूरा एक शब्द तैयार हो गया, ओके। जिस तरह से बेटा हम वॉवेल्स और कॉन्सनेंट्स को मिलाकर इंग्लिश के वर्ड्स रेडी करते हैं ना, है ना, आपको पता है ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सनेंट्स मिलाकर हम एक शब्द तैयार करते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम नए नए शब्दों को बनाते हैं, ओके। अब फिर से यहाँ पर देखो मुरली, है ना। अब दिया है हमें मुरली, किस तरह से बनेंगे मुरली, है ना। अब म, कौन सा वर्ण लिखा हमने, म, है ना। तो ये म क्या आ जाएगा, एम। हम म के लिए क्या राइट करते हैं, एम। एम क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, यस कॉन्सोनेंट है, है ना। फिर म, अब म में क्या है, उ की मात्रा है, कौन सा उ है, ये छोटा उ, तो हम ये देंगे यहाँ उ की मात्रा। फिर क्या देंगे हम, र प्लस, फिर क्या आ जाएगा, ल प्लस, ल में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ये है ना। अब देखो मू र ली, है ना, म कॉन्सोनेंट उ, है ना, उ क्या आ जाएगा, ये यू, मतलब ये क्या हो गया, वॉवेल र, हाँ देखो ना, ये एम प्लस यू प्लस आर प्लस एल प्लस आई। अब कौन से है वॉवेल्स इसमें, यू और आई, और एम आर एल क्या है, कॉन्सोनेंट्स, है ना। इसी तरह से हमने क्या बना लिया यहाँ पर, मुरली, स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ओके। समझ में आया, जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन्हें मिलाकर हम वर्ड्स तैयार करते हैं इंग्लिश के, उसी तरह से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं जिन्हें मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे फिर दिया हुआ है गुलाब, तीसरा शब्द हमारे पास में दिया हुआ है गुलाब। अब इसे फटाफट बताओ मुझे, आपको बताना है पहले क्या लिखेंगे हम, कौन सा वर्ण आएगा, यस ग, देन प्लस का साइन, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, यस उ की मात्रा, देन प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, हो गया। अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो भी बना सकते हो, कैसा, फिर ग के लिए जी प्लस यू प्लस एल प्लस ए प्लस बी, है ना। ग के लिए क्या यूज किया हमने, ज, ये क्या हो गया हमारा, वॉवेल। फिर ल के लिए एल, ये क्या हो गया हमारा, वॉवेल, है ना, यू एंड ए, और बाकी ये कॉन्सोनेंट्स। इस तरह से हमने गु ला ब,
राइट डाउन किया। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, स्वर व्यंजन सभी को पता है, तो अब हमें धीरे धीरे क्या लर्न करते जाना है कि हम व्यंजन के लिए कौन से कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं, स्वर के लिए कौन से वोवेल्स यूज करते हैं और व्यंजन के लिए कौन से कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं, वो हमें लर्न करना है। जिस तरह से ग के लिए हमने जी, म के लिए एम, र के लिए आर, ई की मात्रा के लिए हम आई और ई यूज करते हैं, है ना, ऊ की मात्रा के लिए हम यू यूज करते हैं, तो ये क्या है, हमारे वोवेल्स है, है ना। और ये क्या है, र ल, ये जो व्यंजन है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने हमारे क्लास में आज क्या पढ़ा, उ की मात्रा। सभी को समझ में आई है छोटे उ की मात्रा किस तरह से लगानी है। ओके, अब देखो फिर से वहां वर्ड्स दिए हुए हैं, सा बु न, देन क छु आ और रुई, है ना। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में उ की मात्रा कंप्लीट की। ओके, आपको इसी तरह से नोटबुक में भी राइट करना है, साथ साथ में स्वर और व्यंजन को कौन से लेटर्स यूज करते हैं वो भी लर्न करते जाना है। ये मैं आपको अगली क्लास, अगला जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम सीखेंगे कि स्वर के लिए कौन से लेटर्स यूज किए जाते हैं, कौन से वॉवल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्वर को हम वॉवल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।